हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन नास्तो सागा। सो कैसे हैं आप लोग? सो आज संडे है, आज हमें टाइम मिला तो मैंने कहा चलो व्लॉग बना लेते हैं। सो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आयंस के लिए मैंने कुछ मंगाया हुआ था तो वो आज डिलीवर हो गया है। तो ये आयंस के लिए है, आई डोंट नो पर कैसा होगा, आयंस को आएगा कि नहीं आएगा, इट डिपेंड्स। हेलमेट का है तो हमने ये आयंस के लिए अभी स्टड्स का हेलमेट मंगाया हुआ है तो उसको ओपन करते हैं। आयंस नाइफ ले लो बेटा। चलो नहीं भूला बेटा, ये भी तो भूल गया। मैं नहीं भूला हूँ। आराम से आराम से। आयंस हेलमेट, ओह माय गॉड, कितना प्यारा हेलमेट है आयंस का। आयंस का कितना प्यारा हेलमेट, देखे देखे, लेट मी सी। हैं दूसरा क्यों मंगा दें? क्या 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 इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो इसमें क्या बुराई है? ये है आयंस के लिए स्टड्स का है, ISI मार्क है, 750 ग्राम का है। आई थिंक वेट ज़्यादा नहीं है, वेट ठीक है इसका। अब दूसरा क्यों मंगा दूँ? दूसरा कौन सा हेलमेट है? वो ठीक है अभी ये हमारा ये कैबिनेट यहाँ पर लगा हुआ था, ये पूरा ये यहाँ से निकल गया है, ये देख लटक गया है। अभी इसको फिर वो करना है, हमें इलेक्ट्रिशियन को बुला के इसको फिर लगवाना है। आज इसको ट्राई करो, चलो हेलमेट लगाओ। तो मम्मा दिखाओ, लगा के दिखाओ। छोटा आ रहा है, टाइट है। सो आयंस हेलमेट लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे, बट इनका दांत जरूर दिखता रहेगा। दांत नहीं करो अपना, अब निकाल दिखाओ हेलमेट अपना, कैसे निकालोगे? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये रेड वाले को ये पकड़ो, रेड वाले को इसको पकड़ो, रेड वाले को हाँ इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको उठाओ। हाँ ऐसे नहीं बेटा, इसको पहले उठाओ, इसको इसको उठाओ बेटा जी, इसको उठाओ, इसको उठाओ, ऐसे ऐसे उठाओ। हाँ ऐसे, अब ब्लैक वाले खींचो खींचो, ये अब धीरे से, ये अच्छे ठीक है। अब स्कूल जब भी जाना है आपको तो हेलमेट पहन के जाना है, ठीक है? इतना कौन चलेगा? तुम क्या किया गया? चलो मम्मी कॉटन दे दो अपनी, जो है मैंने रखा हुआ था। देखिए मैं अपने पास अपने घर पे सारी चीज़ें रखता हूँ सो दैट कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो चीज़ें यूज़ हो सकें, अदरवाइज़ फिर छोटी छोटी चीज़ों के आपको बाहर भागना पड़ेगा। सो आज मैंने डी कैथलॉन में ये नई चीज़ देखी है, ये है कॉर्क ब्रिक। ये भी आ रहा हूँ हुरा करने के लिए। हाँ आ रहा है, छोटा है। ये चढ़ गए हैं डोनट खाने के लिए यहाँ पे, देखिए भाई जरा मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, जरा हूँ तो अंकल बोल रहा हूँ। इन्होंने पसंद किए हैं मिडनाइट ब्यूटी जो हम ऑर्डर करेंगे। चलो
सो अब निकलते हैं यहाँ से, जो लेने आए थे वो तो मिला नहीं। आज का दिन आयंस के नाम है क्योंकि हर चीज़ आयंस की मर्जी से हो रही है। इनके लिए एक इनका हेलमेट भी आ गया, तो हेलमेट मैंने इसलिए लिया इनका क्योंकि कविता प्लान कर रही है कि इनको स्कूटी से छोड़ना चाहेंगी, वो लेने जाएंगी। कविता आजकल स्कूटी सीख रही हैं, सो सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। मेरा और कविता का तो हेलमेट था बट बच्चे का नहीं था, तो इसलिए इनका भी ले लिया ताकि आते जाते वक्त ये भी सेफली जाएँ और सेफली आएँ। दूसरा, इन भाई साहब को डोनट्स बहुत पसंद है, जिद करते हैं डोनट्स खाना, तो इनके लिए हम डोनट्स इन्होंने बाहर खाया भी और प्लस अभी ले के भी आए हैं। हम इनसे अगर डोनट दे दो तो डोनट इनको रेडी नहीं हो रहे। मुझे दो आंच डोनट दे दो, एक तो दे दो आंच। पापा ना, पापा को नहीं दोगे? हाँ एक दे दो आंच, एक याला दे दो, वो वाला तुम खा लो। हाँ एक खा लो आंच, एक तो दे दो यार, थोड़ा दे दो भाई प्लीज आंच प्लीज। मैं डांटता हूँ तो यार, मैं ही तो ले गया हूँ तुम्हें। छुपा नहीं करोगे तो मेरा डांट तो पिटेगी। मैं गंदा बच्चा हूँ। अच्छा आप दे दो, मेरे को दे दो। अच्छा लाल डोंट दे दो, मैंने डांटूंगा, डोंट खिला दो मैं डांटूंगा। ये देखिए अपनी मम्मी को लगा दे रहा, मुझे नहीं लगा दे रहा, बल्कि मैं ही इसे बचाता हूँ, मैं ही इसके सब कुछ इसकी जिद पूरी करता हूँ। एक दो चीज़ें ऐसी हैं आयंस की जो आयंस खाते हैं अपनी मर्जी से, जब पीनट्स हो गया, पीनट्स कह रहा हूँ, पम्पकिन सीड्स हो गए वो आयंस को पसंद है, कर्ड पसंद है, दही जो ये खाते हैं, और ये डोनट हो गया जो बिना बोले खा लेते हैं, और फ्रेंच फ्राइज। यस फ्रेंच फ्राइज, देखिए जितना जितना बड़ा पीस आयंस लेकर उससे उसकी मम्मी खा रही है। सो गाइस एंड करते हैं आज के ब्लॉग को, मैं आयंस को पटाता हूँ ताकि मैं भी खा लूँ, वरना ये दोनों खा जाएंगे, मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो एंड करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर, कीप वॉचिंग।